नमस्कार दोस्तों, ये आफ्टरनून अपडेट है आज 12 मई की। और जैसे सुबह हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लो टूटेगा अगर कल का 15,992 तो सेल की पोजीशन बनाएंगे, वहां से सेल भी किया और मैंने तो निफ्टी में 15,910 के लगभग बुक कर लिया था, उसके नीचे मैं सेल साइड में नहीं हूँ, ठीक है। और बैंक निफ्टी 33,800 बिलो ज़रूर सेल बनता है, तो जहाँ तक वो गया है उसी के हिसाब से मैंने वहाँ जो पर्सनल जो ग्रुप है वहाँ पे 208 का लेवल निकाल के सी बाय करने को दे दी थी, जो बढ़िया प्रॉफिट में, सॉरी पुट बाय करने को दिया था, जो बढ़िया प्रॉफिट में चल रहा है। अब आगे क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है कि गिरावट बढ़ जाएगी 15,800 टूटते ही, ठीक है। और बैंक निफ्टी में 33,550 टूटते ही गिरावट बढ़ जाएगी। आज के दिन देखिए मार्केट बहुत ओवरसोल्ड है और मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा है, ठीक है। इनफैक्ट डाउ जोन्स को भी आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ पे 0.55 वो पूरा बन जाता है, उसके बाद वो 100-200 पॉइंट खींच के फिर वहाँ से 300-400 पॉइंट ठोक देता है। ये ऐसा कंटिन्यूसली 3-4 दिन से हो रहा है, ये मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा है, ठीक है। बट अपने यहाँ पे क्या है, एक्सपायरी है, तो जैसे अगर 33,600 टूटता है उसके नीचे जाता है तो वहाँ पे वो पोजीशन कटती है, तो मूव आता है 70-80 पॉइंट का। आज के दिन कोई इंडिकेटर कोई टेक्निकल काम नहीं करता है, तो मैं आपको लेवल बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से तेज़ी मंदी दोनों हो सकती हैं, थर्सडे वाले दिन कोई सर पैर नहीं होता है मार्केट का। आप नोट करिए 15,910 इसके ऊपर अगर मार्केट टिक जाता है, आप बाई साइड में जाइएगा, आपका टारगेट 16,000 है, वहाँ से प्रॉफिट कर लीजिएगा। अब करेक्ट डिट्टो 16,000, पिन पॉइंट मत छोड़ो, ठीक है। 15,990, 995, 980, 985 इसके बीच में कर लो बुक, वो ज़रूरी नहीं है उसकी चुम्मी लेगा। और ये 15,800 को तोड़ देता है और आपको नीचे 100-125 पॉइंट दे सकता है, और 100 नीचे आपको दे सकता है। तो ट्रेल करते जाइएगा, बुक करते जाइएगा। बैंक निफ्टी 33,800 तोड़ के नीचे ट्रेड कर रहा है और वहाँ से दिए हैं इसने पॉइंट, कई बार दिए हैं। हाँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भैया, मैंने करी आज शॉपिंग और ठीक ठाक शॉपिंग करी है, बढ़िया शॉपिंग करी है, और अपने मिशन 2030 वालों को भी रिकमेंड किया है, तो मैं उसमें आज बिज़ी था, ठीक है। और मैं सेकंड हाफ में भी अगर मुझे कुछ स्टॉक अच्छे मिलते हैं, मैं ट्रेडिंग अवॉइड करके आज वैल्यूएशन बाइंग पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मार्च में कभी पहले 10-12 दिन में मौका मिला था, उसके बाद आज मौका मिला है भाई। तो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करने का दिन आज, रदर देन आप, या फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, दावे से बोलता हूँ आपका प्रॉफिट होगा, दावे से बोलता हूँ। 33,800 की कॉल बाई कर लीजिए, ठीक है, और 33,600 की पुट बाई कर लीजिए, मतलब कॉल और पुट 100 पॉइंट आगे पीछे की बाई करिए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट आगे पीछे की कॉल पुट बाई कीजिए, जोड़ा बनाइए, ठीक है, 1-1.5 बजे के बीच में बनाइएगा और 2-2 लॉट लीजिएगा, चुपचाप बैठ जाइएगा। नुकसान तभी होगा जहाँ पे बैंक निफ्टी चल रहा है, अगर वहीं पे चलता रहे 200 पॉइंट जहाँ भी घूम गया, आपकी एक साइड की पुट या एक साइड की कॉल डबल हो जाएगी, प्रॉफिट अपना जेब में लेके चले जाइएगा, ठीक है। वो मैं आपको ट्रेड चलो ग्रुप में डालता भी हूँ, कौन सा क्या रहेगा, उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, चलिए वो मैं बताऊँगा। बाकी मैंने आपको अब लेवल्स बता दिए हैं, जो बिल्कुल खुजली है जिनको ट्रेडिंग करने की, वो करिए। यहाँ से मार्केट सेल साइड, देखो दोस्तों बताने का मन करता नहीं है, ठीक है, बट सिंस इट इज़ थर्सडे तो लेवल जहाँ के कटे नीचे जा रहा है मार्केट, जा रहा है भाई। अगर कोई टेक्निकल लेंसेज ऐसा है जो प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि हाँ नीचे जाएगा, इसके बाद भी नीचे जाएगा, तो भाई सल्यूट है उसको, क्योंकि अपने तो सही बताऊँ तो ये क्या कहते हैं, बस का बाहर है, ठीक है, ये थर्सडे है इस वजह से चल रहा है नीचे की तरफ, करके वो एक चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर मार्केट में सेल बनता नहीं है। हाँ, ये रिकवरी देता 600-700 तक आता, तो 16-800 का ऐसा लगा के दोबारा शॉर्ट बनता था, वहाँ से फिर नीचे के टारगेट 15,900, 15,600, 15,300 आते, तो समझ में आता था। बट विदाउट सिग्निफिकेंट रिकवरी एंड बीइंग इन दी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड क्या कहते हैं टेरिटरी, वहाँ से भी नीचे गिरे जा रहा है, तो साला इंडिकेटर में तो जगह है नहीं है, वो तो खुद चुके हैं। विलियमसन देख लो आप, स्टोकोस्टिक देख लो आप, आप एक आवर के चार्ट पे लगा के देख लो, वो हल्का सा ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है, ठीक है। तो 15,800 को नीचे जाके आप सेल करिए, 15,910 इसके ऊपर आप बाय करिए। बैंक निफ्टी 33,600 तोड़े आप सेल करिए, 36,800 के ऊपर होल्ड करें आप बाय करिए, बस ये कुल मिला के आपके
लेवल्स मैंने आपको बता दिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।